बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका। जैसा कि सरल भारत न्यूज लगातार देश के तमाम पर्सनालिटीज को इनवाइट करता है और वो जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जिस फील्ड में वो विशेषज्ञ होते हैं, उस फील्ड में हम उनसे प्रश्न करते हैं और जनता को अवेयर करते हैं। उसी सीरीज के दौरान आज हमारा एक और सौभाग्यशाली दिन है जिसमें हम रिस्पेक्टेड डॉक्टर हीरा लाल IAS सर, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रामीण भारत के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रामीण स्वराज्य के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज उनको इनवाइट किया। मैं सर को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सर आपका सरल भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जी सर, मैं सीधा प्रश्नों पर आता हूं और आपका जो काम सर पूरे देश में सराहा जा रहा है, जो मॉडल ग्राम करके कॉन्सेप्ट है, उसको सर आप समझाइए हमारे दर्शकों को, क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है वो ये है, उसका सपना ये है कि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा, जो हम लोग ये चाहते हैं कि हम विकसित देश हो जाएं, वो पूरा नहीं होगा। और मॉडल गांव, विकसित गांव, अच्छा गांव, संपन्न गांव, खुशहाल गांव की अवधारणा अपने महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अब्दुल कलाम आजाद साहब ने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। तो ये जो मॉडल गांव है, जनपद बांदा में 1.5 साल में कलेक्टर था, तो वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, इनोवेशन किए, उसके अच्छे रिजल्ट रहे। और जो वो अच्छा रिजल्ट रहा, 20-22 प्रयोग जो किए, उसी को मिला करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया मॉडल गांव कि अगर बांदा के गांव अच्छे हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, मॉडल गांव के तर्ज पे आगे जा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और जगह पर भी लेके चलें। तो इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि कोई काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कैसे उस काम करने का माहौल बनाया जाए। तो सबसे पहले विलेज मैनिफेस्टो है, उसमें 25 पॉइंट है, और उस 25 पॉइंट पे चर्चा हो, गांव के सब लोग जाने कि विकास क्या होता है, विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं, कैसे होगा, क्यों होगा। तो पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, ग्राम घोषणा पत्र, इस पर काम करते हैं। दूसरा पार्ट है कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं, वो अपना सब कुछ त्याग के गांव का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। तो हम लोग ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे, उनको रिओरियंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे और चेंज मेकर के रूप में डेवलप करेंगे। ऐसा कोई नया काम नहीं है, हर गांव में अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है, और उनको अप स्किल करके चेंज मेकर के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और वो गांव के मॉडल गांव में कन्वर्ट करने में एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 3 है ये PO, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। देखिए, गांव में लोग ना रहना चाहता, गांव को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, क्यों, गांव में खेती होती है, खेती घाटे का सौदा है। तो जब हम लोग इसको मुनाफे के सौदे में बदल देंगे FPO के माध्यम से, तो लोग गांव में रहना पसंद करेंगे, गांव में सारी सुविधाएं हो जाएंगी, और गांव के लोग गांव में ही रह करके वो सारी चीज पा लेंगे जो शहर में पाने के लिए जाते हैं। तो जो FPO का कॉन्सेप्ट है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, इसका मकसद ये है कि गांव के खेती को खेती व्यापार में बदल देंगे। लोगों का जो ये सोचने का तरीका है पुराने स्टाइल में, वो अपडेटेड नॉलेज हो जाएगा, उनका कृषि व्यापार, कृषि व्यापारी के रूप में सोचेंगे और एग्री एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 पार्ट है, यही मॉडल गांव का बहुत सिंपल, सरल, सहज योजना है जिससे कोई भी समझ ले। और इसका हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है, जिस वेबसाइट में इसको बड़ी सरल भाषा में लिखा गया है, वेबसाइट पढ़ के कोई समझ सकता है और कोई भी मॉडल गांव बनाने की दिशा में प्रयास कर सकता है। इसमें हमारी कोई बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, समय समय पर वेबिनार करते हैं और उनको बताते हैं
कि आप कैसे आगे बढ़ो, और उनके रास्ते में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भी दूर करते हैं। यस सर। सर ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपने बताई, योजना बताया, प्रारूप बताया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या समस्याएं सर जा रही हैं मॉडल गांव को, एक मॉडल गांव बनाने में? अक्सर हम देखते हैं सर फाइलों में गांव में बहुत खूबसूरती दिखा दी जाती है, गांव को मॉडल बता दिया जाता है, आधुनिक बता दिया जाता है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं सर तो सब बहुत पिछला हुआ दिखता है। क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ समस्याएं रही सर जो आपने एक गाँव को मॉडल गाँव बनाने में फेस किए? देखिए, अभी तक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम कमाएं और आप खाएं। जो लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। अगर आपको आगे जाना है तो आपको कमाना है, यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट बन गया है कि पढ़ें हम और पास आप हो, हम पैसा आपको दो आप बैठ के खाएं, ये जो निर्भर वाला कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है, गिव एंड टेक वाला। हमारे मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट में ये है कि पूरे गांव के लोग घोषणा पत्र के माध्यम से, पहले तो सभी गांव के लोग ये तैयार तो हों कि हाँ हमें गांव का विकास करना है, और सभी लोग अगर गांव का विकास करना है तो कैसे करना है उसके मुद्दे पता होना चाहिए, वो पैरामीटर पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये नहीं है एक आदमी विकास करेगा और दो आदमी बैठे रहेंगे, सबको इसमें एक्टिव होके पार्टिसिपेट करना है अधिकांश लोगों को। और तीसरी बात यह है कि जिसके पास जो कुछ भी है वो गांव के विकास में देना है। किसी के पास बुद्धि है तो बुद्धि दे दे, किसी के पास कोई रिसोर्स है तो रिसोर्स दे दे। तो ये जो काम करने का स्टाइल है, ये कहीं अगर ये कोई सोचा कि इस मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट में ये नहीं है कि कोई बाहर से फंड मिल जाएगा या बाहर से कोई चीज मिल जाएगी, बाहर से आपको केवल बुद्धि मिलेगी, नॉलेज इज पावर। वी आर गोइंग टू इम्पावर द विलेज एंड विलेजर्स बाय प्रोवाइडिंग देम रिलेवेंट एंड रिक्वायर्ड नॉलेज। हम उन्हें उनकी जो जरूरत है और जो उन्हें उनके काम को बढ़ाने में सहायक होगा ऐसा हम ज्ञान देंगे, माहौल पैदा करेंगे, और यही बात आगे कारगर होती है। और वो फार्मूला जो आप कह रहे हो कि हम दें वो बैठ के करें, तो वो कारगर नहीं होगा। अब रही बात कि ये जो फार्मूला है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गांव को मॉडल गांव बनाया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अन्ना हजारे जी है। अन्ना हजारे जी का गाँव रालेगांव सिद्धि है, उन्होंने अपने गांव को बनाया। ऐसे पूरे इंडिया में और अपने यूपी में या बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे किसान हैं जो हमारा जो ये सिद्धांत है जो हम ये कह रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज और गेटिंग द रिलेवेंट नॉलेज, इन सभी को करके बहुत सारे गांव देश में है, कोई नया नहीं है। उसी चीज को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा स्केल अप हो, ये कॉन्सेप्ट है जी। सर देखिए, जहां तक ग्रामीण स्तर की बात कही जाए वहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा रहती सर, छोटे छोटे खेत रहते हैं और उनमें पूरा परिवार, जहां एक जन का काम है वहां पर आठ आठ लोग काम कर रहे हैं, ये समस्या आपने सर आम देखी होगी। उसके बाद शिक्षा को लेकर सर जागरूकता बहुत कम रहती है, लोग पढ़ा ही, कुछ लोग नए पेरेंट्स सब पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को लेकर, ये समस्याएं सर ये कैसे दूर होंगी सर ग्रामीण स्तर पर? शहरी स्तर पर तो धीरे धीरे दूर होने लगी है। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है, खेती में अगर दो आदमी जरूरत है तो 10 आदमी लगे हुए हैं, डिसगाइज इम्प्लॉयमेंट है। हम लोग, हमारा जो मॉडल है वो इसी को दूर करेगा। जैसे खेती है, जब खेती व्यापार में परिवर्तित हो जाएगा तो व्यापार में, वो व्यापार में क्या कि वो एक आदमी पढ़ने में लगेगा, एक आदमी उसको बेचने में लगेगा, एक आदमी उसके इनपुट्स में लगेगा, तो वो जो अभी डिसगाइज्ड है, वो जो जरूरत नहीं है फिर भी लगा हुआ है, उसको एक्चुअल काम मिलेगा। और जब सभी लोग मिलके एक्चुअल काम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी। एफपीओ का काम ही यही है, जब उसको मतलब सिस्टमेटिक हो जाएगा और जब इनकम बढ़ेगी, क्यों, यही तो कह रहे हैं कि कृषि को कृषि व्यापार में बदलना है, माध्यम बनेगा एफपीओ। तो ये जो आप कह रहे हैं ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी, डिसगाइज इम्प्लॉयमेंट।
रियल इम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, वो कंपनी के रूप में चलेगा। अभी एक ही आदमी बोता है, एक ही आदमी काटता है, एक ही आदमी बेचता है, एक ही आदमी साइंस है, साइंटिस्ट है, सब कुछ वन वन है, एक आदमी है तो। यस सर, सर कॉल आ गया था, क्षमा चाहता हूँ तकनीकी समस्या के लिए। सर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इसको ग्रामीण मॉडल में कैसे सहयोग करेगी सर, क्या कुछ होगा इसके बारे में आप जानकारी दे। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो आप कह रहे हैं, इसमें एक बात तो है कि पहले गांव वाले लोग तैयार हो, मन बनाए कि भाई हमें अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है और आगे ले जाना है। अब जब सब कुछ पता लग गया तो जो पब्लिक के, हमारी जो भारत सरकार की स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, या कहीं से कोई CSR में कुछ उसको मिल रहा है, ये कब मिलेगा, गांव में कब पहुंचेगा? जब गांव के लोगों को जानकारी होगी कि कौन कौन राज्य सरकार की स्कीम है, कौन कौन भारत सरकार की स्कीम है, कहाँ से CSR मिल सकता है, कौन से अच्छे व्यापारी हैं, कौन से अच्छे किसान हैं, उनके यहाँ जाना, उनकी सीख के आना, अपने गांव में लागू करना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये है कि गांव वाले, मान लीजिए वो प्राइवेट हो गए, और पब्लिक की जो स्कीम है, सरकार की स्कीम है, उसके बारे में जब जानकारी होगी तभी तो गांव में लाएंगे भाई, किस स्कॉलरशिप कौन कौन सा मिलता है। अब आपको देखना पड़ेगा स्कॉलरशिप कौन कौन मिलता है, वो आपके गांव में कौन कौन बच्चे वो स्कॉलरशिप पाने के हकदार हैं क्राइटेरिया में। Yes, और आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे स्कॉलरशिप लेंगे? तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तभी इफेक्टिव होगा जब गांव के लोग मॉडल गांव बनाने के सोच पैदा करें। देखिए, मॉडल गांव एक सोच है, क्या एक नई सोच है, ये गांव में एक माहौल पैदा करता है कोई काम अच्छा करने के लिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या सोचा कि हमें IAS अफसर बनना है, फिर जब हमने IAS अफसर बनने की बात सोची तो फिर उसके लिए नॉलेज गेन किया, लोगों से मिले, सीखे, तैयारी किए, IAS बने। तो सबसे पहली जरूरत क्या है मॉडल गांव को बनाने की और विकसित करने की? सोच पैदा करना, कि गांव के लोग सोचना पैदा करे, सोच पैदा हो जाए कि भाई हमें अपने गांव को आगे ले जाना, मॉडल गांव बनाना। सर ये जो जन सहभागिता की आप बात कर रहे हैं कि एक मॉडल गांव बनाने में हमें लोगों का सहयोग चाहिए, फिर उनको अवेयर करेंगे और लोग वहीं के जो गांव के रिसोर्सेस है उन्हीं को लेकर अपने गांव को मॉडल गांव बना लेंगे। लेकिन सर मैं कुछ व्यवहारिक समस्याओं की बात करूं, जैसे कि सर कुछ सरपंच लोग हो जाते हैं, सचिव लोग हो जाते हैं, गाँव कई बार दो धड़ों में बढ़ जाता है। कुछ मतलब बुद्धिजीवी जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो अपने पिछड़े लोगों को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ जाए, पिछला तबका। इस व्यवहारिक समस्या को कैसे दूर किया जाएगा सर? देखिए, हमारे देश में कहते हैं भेड़ चाल है। अभी जो आप कह रहे हो ये माहौल है कि लड़े रहते हैं, जो जीत गया जी, वो जो जिससे हारा है उसको नहीं चलने देता, जो हार गया है वो कहेगा अच्छा तुम्हें प्रधानी नहीं करने देंगे, जिसकी लाभ उसकी। हाँ, तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये फर्जी कंप्लेंट होती है। हम इसी चीज को तोड़ने आए हैं। अगर मान लीजिए मोटा मोटा 58,000 गांव है हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर हमें 5,000 गांव भी मिल गए, हम कह रहे 5,000 नहीं, हमें 2,000 गांव ही मिल गए भाई, 58,000 में 2,000 तो अच्छे लोग होंगे या सबके सब बुरे हैं? ऐसा नहीं है। तो अगर 2,000 लोग मिल गए, वो काम करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके अगल बगल के देख के फिर 2,000 मिलेंगे, फिर उनके अगल बगल देख के फिर 4,000 मिलेंगे, तो एक माहौल बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि किसी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं तो होगी। जैसे कोरोना आया तो कुछ लोग सामने आए, भाई हम कुछ दान करेंगे, तो धीरे धीरे एक ने देखा दूसरे, दूसरा का हम भी करेंगे, तीसरा का, धीरे धीरे दान देने वालों की संख्या बढ़ गई। तो हम लोग इसमें यही कर रहे हैं कि जो गांव में अच्छे लोग हैं, ऑलरेडी इस सोच के लोग हैं, पहले हम उनको पकड़ रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं कि कौन गांव में, अपने गांव में खुद लगा हुआ है मॉडल गांव बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम उनको ही पकड़ रहे हैं कि कौन अच्छा है जो FPO बना करके चला रहा है, ऐसे लोग हम लोग भी उनको ढूंढ रहे हैं, वो लोग खुद हमसे, मतलब उनको जब पता लग रहा है तो वो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उनको जोड़ रहे हैं, उनको और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी जो बात है वो सही है कि ये माहौल है, लेकिन ये माहौल टूटेगा और टूट रहा है। बहुत सारे लोग हैं नहीं हम काम करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे प्रधान हैं कि उनको पूरा गांव वहां चुनाव हुआ ही नहीं है, और चुनाव होने के बाद वो जो है विरोधी वाले को वो मिला लिया है, कहता है नहीं वो विरोधी वाला करा नहीं, प्रधान जो जीते हैं हम उनके साथ रहेंगे।
बहुत सारे गांव ऐसे हैं जैसा आप बता रहे हो, तो हमें जो आप बता रहे हो अभी उस गांव की जरूरत नहीं है, पहले हम माहौल बनेगा तो वो भी बदल जाएंगे, भेड़ चाल जो कहते हैं। जी सर, अक्सर देखा जाता है गांव में जब सरपंची के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं, तो गांव दो धड़ों में बट जाता है। अब दो धड़ों में बटने के बाद सर, एक पक्ष के काम जो दूसरा पक्ष जीत जाता है, वो दूसरे पक्ष के काम होने ही नहीं देता, वो नहीं चाहता कि वो भी विकसित हो। इसी के कारण सर पूरा गाँव ही अविकसित रह जाता है। ऐसी समस्याएं बहुत सामने आपने देखी होंगी। सर मैं चाहता हूं आप कुछ उदाहरण दीजिए, आपने अभी तक कितने गांवों को या कुछ गांवों को जिनको मॉडल गांव बनाया है उनमें क्या क्या समस्याएं सर आपने फेस की, और एक दो विशेष उदाहरण दीजिए और उनको कैसे सॉल्व किया सर, ताकि जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने गांव पे कुछ वैसा अच्छा काम कर सके। देखिए, अभी हम लोगों का ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ये हम लोग 1 जनवरी से शुरू किए हैं। इसी 1 जनवरी से मोटा मोटा आप समझिए 5 महीना, इस 31 तारीख को पूरा होगा। जी और अभी तक जब कोई परियोजना शुरू की जाती है तो इसका ऑफिस, इसका साइट बनाने में, मैनेजमेंट करने में काफी ऊर्जा इधर लगी रही। ऊपर से क्या हुआ, कोरोना आ गया। 2 बार कोरोना आने से मिलना जुलना भी उतना नहीं हो पा रहा, कुछ ऑनलाइन हो रही है। तो जो स्पीड हम चाहते हैं उस स्पीड से काम ना कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो हम लोगों ने ऑनलाइन मॉडल गांव का मैनिफेस्टो उनसे डाउनलोड कराया। बहुत लोग मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े और बहुत लोग जीत गए, कुछ लोग हार भी गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा हमारे मॉडल पर बहुत लोग विलेज विलेज मैनिफेस्टो के चुनाव लड़े और जीते, और इसकी शुरुआत हुई जबकि समय नहीं मिला, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू हुआ चुनाव शुरू हो गया। तो इसके इंडिकेशंस अच्छे हैं। और मॉडल गांव हमने आपको बताया, मॉडल गांव 1-2 दिन में नहीं बनता है, मॉडल गांव बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं, इसका कम से कम पीरियड है। तो इसका जो शुरुआत है, जो सोच बदलने का काम है, अभी सोच बदलने का काम चल रहा है। और उस सोच में बदलने में हम उस गांव को पहले टेकअप कर रहे हैं या उस व्यक्ति को पहले टेकअप कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारी, जैसे हमारा सोच है कि गांव को अच्छा करना, गांव को, ऐसे हर गांव में अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं, तो वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं और हम लोग मिल करके उस गांव को पहले टेकअप कर रहे हैं। जैसे कि गोरखपुर में एक महेंद्र यादव नाम के हैं, वो प्रधान जीत गए, वो हम लोगों से पहले से 3 महीना पहले जुड़े हैं, और उन्होंने अपने गांव में FPO बना करके वो 700 लोगों को जोड़े हैं अपने FPO में जी। और वो कह रहे हैं हम अपने पूरे ब्लॉक को के जितने प्रधान जीते हैं उनकी उनको सूची ले लिया, उन सबको कह रहे हैं हम मॉडल गांव से जोड़ेंगे, हम केवल अपने गांव को नहीं बढ़ाएंगे, पूरे मतलब ब्लॉक के गांव के प्रधान को जोड़ेंगे। अब जब वो देखेंगे कि हमारे ब्लॉक में महेंद्र यादव जी ये काम अच्छा कर रहे हैं, अब वो उनको समझाएगा बताएगा, तो अगर मान लीजिए उसके ब्लॉक में 70 गांव, तो मैं नहीं ये कहता 70 के 70 हो जाएंगे, लेकिन 60 तो होंगे, 60 नहीं होंगे 50 तो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो ये नई सोच है, और ये नई सोच को गांव गांव में नए प्रधानों को पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज होती है प्रयास, सोच को लोगों के दिमाग में डालना जिससे उनका मनोभाव बदले और वो अपना उद्देश्य बनाए कि हमें अपने गांव को मॉडल गांव बनाना है। तो अभी हम लोग इस स्टेज में काम कर रहे हैं। सर एक और समस्या है जो उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, प्रवास कर लेते हैं मजदूरी के लिए। बहुत सारे जैसे सर बिहार के मैक्सिमम लोग दिल्ली पटना बिहार निकल जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, उनको सर कैसे वापस लाया जाए, और अगर वापस लाया भी जा रहा है तो उनको उसी तरीके का रोजगार गाँव में कैसे दिया जाए सर, कैसे वो परिवार दोबारा से वापस जमाए जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, बांदा में एक गांव जखनी है, और उस जखनी गांव में के लोग सूरत बॉम्बे इसे काम करने गए थे 25 लोग करीब, और उस गांव के लोगों ने मिल करके मेड़बंदी करी और वाटर कंजर्वेशन पे काम किया। तो जब वाटर कंजर्वेशन पे काम किया तो पानी का तल उनका ऊपर आ गया और वहां खेती बड़ी अच्छी होने लगी। तो जब खेती अच्छी होने लगी तो इनकम बढ़ गया, तो वही लड़के जो बाहर चले गए थे वो लौट के आए, वो बढ़िया अपनी खेती करते हैं,
वहां जो 15,000 जाते पाते थे वो 15,000 से ज्यादा अपने घर में कमा रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा मॉडल गांव यही चाहता है कि जखनी जैसे काम हो, यही तो हम कह रहे हैं ना कि हम खेती को खेती व्यापार में बदल देंगे, एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना है, और किसके माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से। तो जो जखनी का भी हमने किस्सा बताया, हमारा मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट वही है कि जखनी जैसे गांव बन जाए। लोग जो गए हैं वहां 15,000 कमा रहे हैं, अगर वो अपने घर में ही 15,000 कमाएगा तो क्यों जाएगा वहां, अपने बच्चों में रहेगा, अपने घर में रहेगा, अच्छी लाइफ जिएगा, वहां किराए पर रहता है, अपने आप खाना बनाता है, वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मॉडल गांव का लोग अगर अपना लेंगे और अपने गांव का विकास कर लेंगे तो वो जो जाने की जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। यही तो इसकी ब्यूटी है, यही तो इसकी खूबसूरती है। यस सर, सर मैं देश की जंग की बात करना चाहूंगा जो ग्रामीण स्तर पर लगी हुई है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। सर स्पेशली मनरेगा ग्रामीण स्तर पर काम कर रहा है और मनरेगा में जो सर भ्रष्टाचार व्याप्त है ग्रामीण लोगों को, सर बहुत सारे मैं देखता हूँ लोगों के कुएं खुद रहे हैं, तालाब खुद रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं है कि हमारा जो मस्टर डल रहा है वो कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा कैसे जा रहा है। इसको सर मॉडल गांव में कैसे दूर किया जाएगा, क्या कुछ भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास किए जाएंगे सर ग्रामीण स्तर पे, आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखो, क्या है जो आप कहना चाह रहे हो, जब अभी लोगों, ये जो सब भ्रष्टाचार या जो आप कमी की बात कह रहे हो वो क्यों हो रहा, क्योंकि पूरा गांव कुछ जानता नहीं है। ये दो एक लोग जानते हैं, चोरी चुप्पा सब अपना जो भी गेम है कर ले रहे हैं, पूरा गांव को पता नहीं। जब पूरे गांव में माहौल बनेगा, पूरे गांव को सब चीज पता लगेगा तो वो नजर नहीं लगेगा, तो सोशल ऑडिट होती होगी अपने आप, और जब सोशल ऑडिट होगी तो कैसे भ्रष्टाचार कर लेंगे। इसमें तो ओपन टू ऑल है ना। अभी क्या है, गांव में दो आदमी प्रधान जी और दो चार लोग मिल करके सब खल लेते हैं। मॉडल गांव में पूरे गांव का इन्वॉल्वमेंट है, हर गांव को हर चीज पता होगा, ट्रांसपेरेंसी है, तो हर आदमी की चीज हर चीज पे नजर रहेगा, तो खाएंगे तो कहेगा नहीं कितने को पटा लेंगे, पूरे गांव कैसे पटा लेंगे। कि तो इसमें जो है ये ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जब सबको जानकारी रहेगी तो सोशल ऑडिट होगा हर काम का, हर आदमी का हर काम पे नजर होगा, तो इससे जो आप कहना चाह रहे हो उस पर रुकावट होगी और कमी आएगी और गांव का विकास और अच्छा होगा। सर मॉडल गांव की कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश के बाहर भी क्या काम कर रही है और कर रही है, तो सर आपकी जानकारी में कहां कुछ अच्छा काम हो रहा है कृपया बताएं सर। देखिए ऐसा है, ये लोग क्योंकि यूपी में रह रहे हैं, लखनऊ में इसकी ऑफिस यहाँ से काम, लेकिन ये सब ऑनलाइन काम है। क्या जी, मॉडल गांव एक कॉन्सेप्ट है, हम कोई जा करके किसी गांव में फावड़ा तो नहीं चला रहे ना। फावड़ा तो उसी गांव के लोगों को चलाना है, उसी के गांव के लोगों को काम करना है। तो ये मॉडल गांव ऑनलाइन है और कई प्रदेशों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चीजों, हम तो ये कह रहे हैं हमारे मॉडल गांव को आप पढ़ लीजिए जो लिखा है। अरे उसके तीन पार्ट हैं, विलेज मैनिफेस्टो बनाना ऑनलाइन है हमारे, उसी ऑनलाइन पे जाइए, वो बताता जाएगा, विलेज मैनिफेस्टो बना लीजिए, बना करके प्रचार करिए, गांव में माहौल क्रिएट करिए। इसमें एक माहौल बन गया, फिर उसी में दो चार लोग ऑटोमेटिक अच्छे लोग निकल के आएंगे, वो हमारे से जुड़ जाए ऑनलाइन, हम लोग ट्रेनिंग करा देंगे, उनकी कोई दिक्कत होगी उसे हल कर देंगे। तो ये माहौल धीरे धीरे ऐसे बनेगा, इसमें कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हम लोग जो है गुजरात में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, बिहार में कई लोग, कई प्रदेश के लोग हम लोगों के टच में हैं और हम लोग उनको अपना ये ज्ञान बांट रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। सर चूंकि अभी ग्रामीण स्तर पे ही चर्चा चल रही है, तो जो कोरोना की लहर, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, मैं चाहता हूँ कुछ प्रश्न कर लूं कोरोना से संबंधित आपसे। कोरोना सर ग्रामीण स्तर पे तो मैनेज ही नहीं हो पाया है सर, और लोग कैसे उसको समझ ही नहीं रहे सर। गांव में क्या समस्या जा रही है कि लोग जैसे इतने भावनात्मक होते हैं कि किसी के माता को हो गया या बच्चे को हो गया तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये छुआछूत जैसी बीमारी है, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, तो वो बिलीव ही नहीं कर रहे सिस्टम पर। और लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम है, और एक के साथ पूरा परिवार हो जा रहा है और पूरे गांव संक्रमित हो जा रहा है। तो बहुत भीषण तबाही मची हुई है सर ग्रामीण स्तर पर कोरोना को लेकर, आप सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो कोरोना ग्रामीण क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि अगर आप, मैंने शुरू में बताया आपको
जब आपको पास होना है तो पढ़ना आपको पढ़ना, अगर आपको बीमार नहीं होना है तो हिदायत आपको भी लेनी है, और आपको उसका कोरोना में कोई दवाई की जरूरत नहीं है, इसमें बचाव की जरूरत है। जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कह रहे हैं कि साहब मुंह पे जो है मास्क बांधो, ये क्या है, दवाई तो है नहीं, ये बचाव है। कह रहे साहब जब निकलो तो दूर रहो, 2 मीटर की दूरी से बात करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये दवाई है नहीं, ये भी प्रिकॉशन है। हाथ धुलो, सैनिटाइजेशन करो, ये भी इसमें दवाई नहीं है। अब अगर आप ग्रामीण हैं और आप सरकार ने कहा कि ये सारे प्रिकॉशन लो, ठीक है, अब आप अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत तो होगी ही। सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई ये सब मत करो, सरकार हमेशा कह रही है, समझा रही है, और गांव में बहुत लोग माने भी बात को, कुछ लोग नहीं माने, तो जो लोग सरकार की बात माने वो स्वस्थ हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, और जो बात नहीं माने, जिन्होंने इसको इग्नोर किया, इसको तवज्जो नहीं दिया, वो परेशान हुए। और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हो कि बुखार, उसको वो जनरल बुखार मान लिए, देर हो गया, फिर गए तो फिर वो दिक्कत हुई, ये समस्या है। लेकिन अभी जब से ये सेकेंड फेज में थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें ज्यादा हुई, पेपर में भी निकला और लोगों ने अपने सामने लोगों को परेशान होते देखा, तो नेचुरली अपने आप भी काफी लोग अवेयर हुए, और सरकार ने भी काफी कुछ और तेजी लगाई, देखा कि ये जो है कि ये कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की बात मान के सुरक्षित रहें। तो देखिए एक चीज तो करना पड़ेगा, अगर आपको धनी होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पास होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अगर खुशहाल और हैप्पी रहना है तो जो उसके लिए, अब आप कहिए हम मतलब जो है जो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है वो नहीं करेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो नहीं हो सकता। कहते हैं कि सुबह जल्दी जगो, शाम को जल्दी सो, जल्दी खाना खा लो, सुबह उठ के घूमो, अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, अपनी आदत में नहीं लाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। सरकार के कहने, सरकार कुछ भी चाह ले, आपको ठीक रखना चाहे कैसे रख लेगी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ही करना है, आम जनता को करना है, सरकार कहती है और सरकार समझाती है, सरकार बताती है, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको फायदा हो जाता है, वो खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं, जब उनको ठोकर लगता है, परेशान होते हैं, तब उनको ये एहसास होता है हमसे गलती हुई, तब मानते हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि मॉडल गांव में जब ये सब बातें होंगी, मॉडल गांव बनेगा, तो अभी कोई किसी को गांव में समझाने वाला नहीं है, लेकिन जब मॉडल गांव बनेगा तो एक माहौल रहेगा, अच्छे लोग रहेंगे, किसी को बुखार हो गया तो सभी लोग कहेंगे अरे वो देखो अपने टीम का बुखार हो गया, तो उसको समझाने वाले लोग, बताने वाले लोग ज्यादा होंगे और ये समस्या खत्म होगी, कम होगी, जो आप कह रहे हैं। जी सर, मैं पूछना चाहूंगा, जो सर ग्रामीण स्तर से पटवारी से लेकर जनपद पंचायतों तक एक अफसरशाही होती है सर, लाल फीता शाही होती है, ग्रामीण लोग बहुत परेशान रहते हैं, अगर राशन कार्ड भी बनवाना है सर तो उनको सालों साल लग जाते हैं, जैसे भूमि का सहमति से बंटवारा भी करवाना है तो उनको सालों साल लग जाते हैं। इस चुनौती को सर आप कैसे देखते हैं और आप इसको कैसे ठीक कर पाएंगे सर, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वीडियो ये लोग देख रहे हैं उनको, कि इसमें कैसे जनभागिता दें, कैसे समस्या को समाधान की ओर लाया जाए? देखिए आपको ये पता होगा कि पहले ऑफलाइन जब था तो प्रमाण पत्र बनाने में बहुत टाइम लगता था, अब क्या है जी हर गांव में सीएससी है, सीएससी क्या ठीक जी है ना, सामुदायिक केंद्र है, ऑनलाइन है, एक गांव का ही लड़का है, उसकी फीस है कि आपको ये जी सर्टिफिकेट बनवाना इतना रुपया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ये, आप उसके पास जाते हो, अब आपको बताता है ये कागज लाओ, वो जाते हैं अपना कागज ले आते हैं, अपने गांव के उस सीएससी जाते हैं, वो सब कुछ स्कैन उस्कैन ऑनलाइन भर देता है और उनका बन जाता है। तो अगर हम लोग मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो ये क्या हुआ, आपके गांव में एक जानकार आदमी बैठा है इसलिए आसान हुआ, तो जब मॉडल गांव में बनेगा तो सब आदमी सब कुछ जानता है। देखिए अभी ये सब समस्याएं यही इसलिए हैं क्योंकि गांव वालों को पता नहीं है,
अब वो कहेगा कि मनरेगा में ये ऐसे है और ये देखो ये नियम है, तो किस सचिव की जी हिम्मत है वो मना कर देगा। अभी तो इसलिए कहते हैं आपको पता ही नहीं है। तो यही तो हम बताना चाहते हैं कि मॉडल गांव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को जागरूक करना, उनको नॉलेज देना, उनको पढ़वाना, ठीक है, और मैक्सिमम काम। अब कहते हैं गांव की सफाई कौन कर दे, सरकार कर दे, सफाई कर्मचारी कर दे, गांव वाले जिंदगी मतलब गांव वाले दिन भर गंदगी करे और एक सफाई कर्मचारी सफाई कर दे, ये कैसे संभव। ये सोच बदलना है कि जी हम गंदगी नहीं करेंगे और करेंगे तो सफाई खुद करेंगे, सफाई कर्मचारी भरोसे नहीं रहेंगे। आप शहरों में देखिए, पहले हम लोग जो है खुद गंदगी करते थे, अब शहरों में बदलाव आया है, लोग अब रोड रोड पे कोई चीज कम फेंकते हैं, ले जा करके अपने घर में रखते हैं। तो ये जो बदलाव आया है सफाई में शहर में, यही सोच गांव में भी आना चाहिए। यही काम मॉडल गांव का है कि सोच बदलना है कि हम गंदगी नहीं करेंगे, क्यों सफाई की जरूरत हो, हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, हम लड़ाई नहीं करेंगे तो हमें पुलिस जाने की क्या जरूरत है, हमें ये सब जरूरत ही नहीं है। अन्ना हजारे का मॉडल गांव यही है। गांव में वो सब दो लोग लड़े तो ही बैठ के समझौता पंचायती राज का है, किसकी गलती है उसको डांट दिया और जिसको जिसके साथ अन्याय हुआ है उससे कहे भाई इसको माफ कर दो, लोकल लेवल पे माफीनामा करा करके, ना पुलिस के यहाँ गए, ना दरोगा जी के यहाँ गए, ना कहीं गए, बात हो गई। तो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको नॉलेज हो जाएगा, गांव के हर आदमी को नॉलेज हो जाएगा। तो ये पटवारी जी, लेखपाल जी, सब लोग ये सब जानते हैं कि इसको नॉलेज है, इससे भिड़ो मत, तो ये अपने जी आप खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ एक रामचरण वर्मा जी हैं, वो पद्मश्री हैं, कक्षा 8 फेल हैं, पूरे देश में नाम है। उनके यहाँ तो डीएम कमिश्नर सब जा करके लाइन लगाते हैं, सब जाते हैं उनके यहाँ, क्यों, जानते हैं रामचरण वर्मा जी को। तो ऐसे जब गांव में भी सब, तो सबको पता लग जाएगा लेखपाल को, पटवारी को, भाई इस गांव में लोग बड़े जानकार हैं और बड़े होशियार हैं, यहाँ कुछ भी गड़बड़ करोगे तो गला पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आपकी ये समस्या मॉडल गांव में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जी सर, बहुत बहुत सार्थक वार्ता हुई आपसे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद मॉडल गांव को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अंत में सर चाहूंगा कि आप जो यूथ है और जो लोग इस गांव गांव से थोड़ा सा दिल लगी रखते हैं, गांव की ओर आकर्षण रखते हैं, उन लोगों को सर आप एक मैसेज दें कि मॉडल गांव कॉन्सेप्ट में वो लोग आए और सहभागिता करें और गवर्नमेंट की मदद करें और गांव को एक बेहतरीन सुंदर गांव बनाने की कोशिश करें। देखिए मेरा इसमें यह कहना है कि जो रोजगार ढूंढ रहे थे, अब वो ढूंढते ढूंढते थक गए, उन्हें रोजगार नहीं मिला, तो जी उन्हें हमारे मॉडल गांव से जुड़ना चाहिए और अपने आप को अन्ना हजारे उस गांव का बनना चाहिए। अन्ना हजारे जब अन्ना हजारे की तरह काम करेंगे मॉडल गांव, अन्ना मतलब मैं इसको समझाने के लिए कहता हूँ कि मॉडल गांव हर गांव में अन्ना हजारे जी की तरह आदमी पैदा करना चाहता है, उसी सोच वाला। जी तो अभी वो बेरोजगार हैं, इधर उधर अपना समय बर्बाद करें, हमसे जुड़ जाएं और हमारे कॉन्सेप्ट पे काम करें, धीरे धीरे उनको उनको रोजगार मिल जाएगा, गांव के वो सम्मानित व्यक्ति हो जाएंगे और वो हर तरह से संपन्न खुशहाल हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं और वो जो पढ़ाई कर रहे हैं करें, साथ में चूंकि जो गांव में पढ़ाई करता है वो अपने खेत में अपने परिवार के साथ रहता है, इन्वॉल्व रहता है, खेती भी करता है और खेती में हाथ अपने परिवार का बटाता है, कभी जाएगा ट्रैक्टर चला देगा, कभी उसमें पानी लगा देगा, करता है, हमने बचपने में किया है। तो जी मैं ऐसे स्टूडेंट से या ऐसे लोगों से जो छात्र जीवन में है, पढ़ाई जीवन में है, वो जी पढ़ाई करें और वो अपने हमारे मॉडल गांव से जुड़े और मॉडल गांव की तकनीक और जानकारी ले करके अपने परिवार में लगाएं और पूरे गांव में लगाएं, ठीक है। और जो लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो केवल मॉडल गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो जुड़े और हमारे यहाँ से जुड़ करके अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने इनकम, जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, अच्छा काम करेंगे तो उनका इनकम बढ़ जाएगा और वो धनी हो जाएंगे, अच्छा जीवन जीने लगेंगे। तो ये मेरा संदेश है, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा काम ही है बेरोजगार को रोजगार बना दो क्या, लेकिन हम यहाँ बेरोजगार को रोजगार बनाने में हम नौकरी नहीं देने आए हैं, जी हम आपको
जो आपके पास संसाधन है उसी संसाधन को एक अच्छे रूप में मैनेज करके आपका इनकम बढ़ाएंगे और आपको आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है अच्छी सोच पैदा करना। जी सर, बहुत ही ज्यादा सार्थक चर्चा रही और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है जितने भी दर्शकों तक ये वीडियो जाएगा वो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सर के द्वारा किए जा रहे गंभीर प्रयासों की सराहना करेंगे। इसी के साथ मैं और सर और पूरी सरल भारत परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और मैं आशा करता हूँ आगे भविष्य में सर हम लोग फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आप। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।